सो हेलो गाइस, कैसे आई होप लोग कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आप टिकटॉक यूज करते होंगे तो एक वीडियो देखे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, कुछ इस तरह का वीडियो, डबल रोल वाली और धुएं वाला इफेक्ट इसमें लगा है। सो गाइस, इस वाली वीडियो को आपको कैसे बनाना है बहुत ही आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको लग रहा है ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बनाई गई है। सो गाइस, ये नहीं है, मैं आपको बिना ग्रीन स्क्रीन के ऐसी वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत ही सिंपल तरीका और प्रोफेशनल तौर पर। सो गाइस, आपको प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वीडियो शूट करना है, कैसे एडिट करना है, कहां से म्यूजिक आपको लगाना है, तो आपको सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस, हो सके वीडियो को अभी कभी लाइक करते, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किए गाइस, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें। सो गाइस, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अपने मोबाइल कैमरा ओपन कीजिएगा और दोनों वीडियो आपको कुछ इस तरह का शूट कर लेना है अलग अलग कपड़ों में। सो गाइज, आपको लिपसिंग अच्छे से मिला लेना है, तो चलिए काइन मास्टर ओपन करते हैं और एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, काइन मास्टर ओपन करेंगे तो काइन मास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर मेरा वाला काइन मास्टर चाहे तो ये रही मेरी स्टडी, मेरे को यहाँ से फॉलो कर ले, मैं यहाँ से अपना वाला काइन मास्टर आपको दे दूंगा। गाइस, यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। टिकटॉक का जो रेशियो है 9:16 रेशियो, इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जो अपना सेकेंड वाला वीडियो शूट किए हैं तो ले लेंगे, तो अपना सेकेंड वाला वीडियो लेने के लिए यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर चलेंगे और यहाँ से अपना मैं जो सेकेंड वाला जो वीडियो शूट किया हूँ मैं ले लेता हूँ। सो गाइस, वीडियो लेने के बाद ओके पर ऐसे क्लिक कर देंगे और इस वीडियो पर चलेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो का हम साउंड बंद कर देंगे, तो यहाँ से साउंड वाले ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। सो गाइस, वीडियो शूट करते टाइम हम लोग वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है तो उसको हम डिलीट कर लेंगे। तो वीडियो पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ साउंड वाले कैची वाले ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। गाइस, करने के बाद यहाँ से ओके पर ऐसे क्लिक कर देंगे। सो गाइस, यहाँ से हमें ग्रीन स्क्रीन बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में चलेंगे, मीडिया में चलेंगे और बैकग्राउंड में चलेंगे और यहाँ से कोई एक कलर का हम कोई ले लेते हैं। गाइस, लेने के बाद सबसे पहले आपको तीर वाले ऑप्शन पे इसको पकड़ के और कुछ को आपको कुछ इस तरह ऐसे बड़ा कर देना है और बड़ा करने बाद इसको यहाँ से फुल यहाँ से कर दीजिएगा वीडियो की साइज। गाइस, करने के बाद यहाँ से कलर वाले में चलेंगे और यहाँ से मैं ग्रीन कलर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस, करने के बाद यहाँ से स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आएंगे और क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ से इस पर क्लिक करके फिर ग्रीन स्क्रीन पर से क्लिक करेंगे और चाबी वाले आइकन पर चलेंगे और देना है। सो गाइस, आप इसको अच्छे से इसको कर दीजिएगा यहाँ से, तो आप जैसे इसको लाएंगे, सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको बॉडी में ये कलर ग्रीन कलर टच नहीं रहना चाहिए। सो गाइस, आप कुछ इस तरह का ऐसे कर लेंगे, करने के बाद कुछ आगे ऐसे आएंगे और आगे आने के बाद फिर से इसको लॉक कर देंगे, फिर इसको यहाँ से आगे आएंगे तो यहाँ से देख रहे हैं कुछ हम लोग का इस तरह हो रहा है। सो गाइस, सबसे बाद फिर यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको फिर इसको बॉडी में टच हो रहा है तो इसको हम थोड़ा हटा लेंगे यहाँ से। गाइस, इसको करने के बाद अब यहाँ जैसे मैं यहाँ पे ऐसे हो रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना प्लस वाले पे और इसको यहाँ से इसको पूरा ख़त्म कर देना है। तो गाइज, यहाँ से आपको धुआं वाला इफेक्ट लगाना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइज, यहाँ से हम लोग लेयर वाले ऑप्शन में चलेंगे, मीडिया में चलेंगे और यहाँ से मैं स्मोक वाला इफेक्ट मैं ले लेता हूँ। गाइस, लेने के बाद सबसे पहले यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैची के बगल में यहाँ पे दिख रहा है इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। गाइस, करने के बाद सबसे पहले इसका हमको क्रोमा की इनेबल कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्रोमा की पे चलेंगे और यहाँ से मैं इसको इनेबल कर दे रहा हूँ यहाँ से। सो गाइस, इनेबल करने के बाद आप देख लेंगे यहाँ से की कलर में आपको ये कलर सेलेक्ट कर लेना चाहिए और करने के बाद यहाँ से ओके पैसे क्लिक कर देंगे। फिर से हम इस वाले धुएं वाले पैसे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा कलर फिल्टर का, कलर फिल्टर पैसे चलेंगे और जाने के बाद यहाँ से बेसिक में जाके व्हाइट कलर का हम ले लेंगे यहाँ से। गाइस, तो हम लोग यहाँ से व्हाइट पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो देख लेंगे कुछ इस तरह का ऐसे हम लोग का फिल्टर लग गया। सो गाइस, अब हम लोग की वीडियो देख लेंगे कुछ इस तरह का हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो गैलरी में सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ से आपको शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर मेरा वाला काइन मास्टर यूज करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। सो गाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से रेशियो मेंटेन करने के बाद एक्सपोर्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, दूसरा वाला स्टेप में फिर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और 9:16 रेशियो पर क्लिक कर देंगे। गाइस, क्लिक करने के बाद इस बार अपना जो फर्स्ट वाला जो वीडियो शूट किया है मैं वो वीडियो ले लूँगा, तो लेने के लिए आपको यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ से अपना मैं फर्स्ट वाला अपना जो वीडियो शूट किया हूँ मैं ले लेता हूँ। अपना फर्स्ट वाले वीडियो ले लिया, लेने के बाद सबसे पहले वीडियो में साउंड रह जाता है तो उसको हम बंद कर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वीडियो पर ऐसे क्लिक कर देना है और यहाँ साउंड वाले ऑप्शन में जाना है और इसको बंद कर देंगे। गाइस, बंद करने के बाद यहाँ से मेरा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और कैची वाले ऑप्शन पर चलेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। गाइस, करने के बाद ओके पर ऐसे क्लिक कर देंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख लेंगे कुछ इस तरह का मैंने एक्टिंग किया और करने के बाद जैसे मैं इस साइड में आकर कुछ इस तरह का ऐसे खड़ा हो रहा हूँ, तो आने के बाद आपको क्या करना है, आपको वाला ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो आपको लाना है।
सो गाइस यहाँ पे देख लें कुछ इस तरह का, मैं यहाँ पर ऐसे करके एक्टिंग यहाँ पर आ गया हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम लोग लेयर वाले ऑप्शन में चलेंगे, मीडिया में चलेंगे, जो मैंने अभी ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो गैलरी में सेव किया हूँ वीडियो ले लूँगा। सो गाइस यहाँ से भी देख लेंगे वीडियो मैंने ले लिया। सो गाइस आपको वीडियो लेने के बाद आपको क्या करना, सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन वाले पर ऐसे क्लिक कर देंगे सेकंड वाले वीडियो पर, और कैची के बगल में इस वाले ऑप्शन पर चलेंगे और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। गाइस करने के बाद आपको क्या करना, फिर से इस वीडियो पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, क्रोमा की पर ऐसे क्लिक कर देंगे और इसको इनेबल कर देंगे। गाइस आपको इनेबल करने के बाद आपको अच्छे से इसको इनेबल कर देना है, और यहाँ से आपको की कलर में चलेंगे डिटेल्स में और इसको अच्छे से इसको कर लीजिएगा, और आपको यहाँ से ग्रीन कलर ही सेलेक्ट करना है, ये चीज़ भूलिएगा मत। सो गाइस देख रहे हैं कुछ इस तरह का ऐसे हम लोग का वीडियो हो गया। सो गाइस जैसे कि यहाँ से मैं कुछ करके ऐसे में आ रहा हूँ यहाँ से, और करने के बाद आप देख लें कुछ इस तरह का ऐसे एक्टिंग करके। सो गाइस हम लोग का फर्स्ट वाला जो वीडियो उस पर मैचिंग नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले इसका कलर ग्रेडिंग कर देंगे, फर्स्ट वाले वीडियो पर ऐसे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने बाद इसको हम थोड़ी इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इस कलर के बराबर। सो गाइस आप इसको अच्छे से इसको कर लीजिए जैसे मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, और करने बाद इसको मैं ये वाला कुछ मैं आपको बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ, जैसे कि आप लोग देख लें कुछ इस तरह का ऐसे हम लोग का मैचिंग हो जाएगा जिसको। सो गाइस यहाँ से मैंने कलर ग्रेडिंग कंप्लीट कर लिया, यहाँ से ओके पैसे क्लिक कर देंगे और यहाँ से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पाएंगे। सो गाइस इसके बाद हमें एक टुकटाक की वीडियो ले लेना है, तो उसका हम ऑडियो रख लेंगे, वीडियो डिलीट कर लेंगे। सो गाइस यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में चलेंगे, मीडिया में चलेंगे, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो पैसे क्लिक कर देना है, टुकटाक वाली वीडियो पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट ऑडियो का, इस पर क्लिक कर देंगे तो हम लोग का ऑडियो अलग वीडियो अलग हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख ले रहे हैं। सो गाइस यहाँ से हमको वीडियो पर ऐसे क्लिक कर देना है, क्लिक करने बाद यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर कर देना है। सो गाइस जब हम लोग की वीडियो फाइनली बन के तैयार हो गई है, तो हमें वीडियो गैलरी में सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने बाद यहाँ से रेस्यू मेंटेन करने के बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइज आई होप कि डबल रोल वाली वीडियो बनाना सीख गए होंगे, साथ में आपको धुआं वाला इफेक्ट कैसे लगाना वो भी सीख गए होंगे, मैंने बहुत आपको सिंपल तरीका बताया। सो गाइज आप भी कुछ इस तरह का ऐसे टिकटॉक पर वीडियो देखते हैं और उसका ट्यूटोरियल चाह रहे हैं गाइज, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा। गाइज अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए, तो ये रही मेरी इंस्टा आईडी, मेरे को यहाँ फॉलो कर दे क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ और आपका मैसेज का भी रिप्लाई दूंगा। गाइज हो सके अभी का भी वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की हिम्मत आती है। गाइज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किया और यहां तक वीडियो देख लेंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में ऐसे अच्छे वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको मिस ना कर पाए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।